स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम ट्विपर ऑफिशियल की वीडियो देखने जा रहे हैं और उनके वीडियोस तो हमेशा ही मजेदार होते हैं। तो आज वो इमरान खान को रोस्ट करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख। तेरे को पूछा क्या कमीने? हाँ सॉरी, 40 लाख। पाकिस्तान की आबादी 40 बिलियन थी। ये सर फिर पागल हो गया और आज पहुंच गई है 220 बिलियन। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? हेलो कटोरा खान, दिमागी संतुलन तो पहले ही खो चुका था, अब पूरी तरह बावला हो गया है। और बावला इस कदर कि बंदे ने सत्ता में आने के लिए पाकिस्तान में गृह युद्ध छेड़ दिया है। इमरान खान के साथ खड़े इनको हमारी लाशों से गुजर के अंदर जाना पड़ेगा। पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। जैसे ही इमरान खान समर्थकों को पुलिस ने पेलना शुरू किया, क्या गुंडा बनेगा रे तू भाई? कटोरा खान इस कदर आपा खो बैठा है कि सत्ता में आने के लिए अपने समर्थकों की बलि देने को तैयार है। खुद तो बंदा चूहे की तरह बिल में दुबक्कर बैठा रहता है और अपने समर्थकों को उकसाते हुए कहता फिरता है, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर, तो आपने ये साबित करना है कि जिंदा कौम है। अबे हम कौन सा कह रहे हैं कि ये मरी हुई कौम है, चलते फिरते दिखाई दे रहे तो जिंदा कौम ही होगी, कोई ज़ॉम्बीज थोड़ी। अकल है आपके पास भाई? कटोरा खान का क्या है, पूरा मुल्क तबाह क्यों ना हो जाए पर खुद की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? जब जब पुलिस कटोरा खान को गिरफ्तार करने आती है, तब तब कटोरा खान अपने महिला समर्थकों के पुरखे में दुबक जाता है। और उधर इसकी महिला समर्थक खान साहब तक जाने के लिए हमारे से होकर गुजरना पड़ेगा। यार हम मरेंगे अपने लीडर के लिए, हम डरते नहीं। अच्छा, इमरान खान की तरफ मैंने आँख से भी देखा, तुम्हें ना सिर्फ सड़कों पर घसीटेंगे बल्कि तुम्हें उस जगह पहुँचाएंगे जहाँ पर तुम्हारी आने वाली नस्लें भी तड़पेंगी। और जब पुलिस ने उल्टा इन्हें ही घसीटना शुरू किया, इन्होंने हमें पत्थर मारे, इन्होंने शीशे की बोतलें मारी, इन्होंने डंडा मारा हम लोगों को, बस हवा निकल गई। और भाई कटोरा खान समर्थकों की बकचोदी देखो, बंदे पहले पाकिस्तान में जा रहे हैं, पहलने वाली खुद पाकिस्तानी पुलिस है, लेकिन उसके बावजूद भी बंदों का कहना है हिंदुस्तान से आई है पुलिस, ये जो हमारा हाल कर रहे हैं ये दिल्ली के हैं। हाँ, पुलिस दिल्ली की है, पीछे बाइक पर जा रहा बंदा हरियाणा का है, पानी की बोतल इंडियन रेलवे की है, फेस पर लगा मास्क गाजियाबाद का बना है। अरे तुम्हारी बहन का पोर की मारूं, खुद से खुद का मुल्क फूकने में लगे हुए हो फिर भी बेमतलब बीच में किसको लाना है? इंडिया को। ये इंडिया से भी फोर्स बुला लेंगे, खान को हाथ नहीं लगा सकते ये। अबे सालों शुक्र मनाओ कि वहाँ इंडिया की फौज नहीं है, अगर इंडिया की फौज होती तो ये चिल्लाते हुए भागते नजर आते। पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। भाई कटोरा खान ने मुल्क का ये हाल बना दिया है कि जिस पुलिस और आर्मी की तारीफ में पोर की कल तक फटे जाते थे, आज उसी पुलिस आर्मी की फाड़ने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पुलिस और फौज को सड़कों पर घसीट घसीट कर पेला जा रहा है, लेकिन खुद से इतनी तबाही मचाने के बाद भी कटोरा खान का कहना है मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। पर तबाही की ओर लेकर कौन जा रहा है? कटोरा खान ये नहीं बताएगा? बंदा आए दिन अपने समर्थकों को मुल्क फूकने के लिए उकसाता रहता है और जब इसके समर्थक तबाही मचाना शुरू कर देते हैं तो बंदे का कहना होता है, जो बाहर लड़के ये मेरी नहीं सुन रहे, वो अब मेरा कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं। और भाई इसका ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बंदा जेल भरो तहरीक के नाम पर ड्रामा कर चुका है। और जैसे ही मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे। और उधर इमरान खान समर्थक पर अब बात करेंगे, जेल भरो तहरीक पीटीआई कारकुनान गिरफ्तारियां दिए बगैर वापस रवाना हो गए हैं। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि कटोरा खान समर्थक गिरफ्तारी देने ही नहीं पहुंचे, भाई बिल्कुल पहुंचे, लेकिन मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक सिर्फ नारों तक ही महदूद रही। खिलाड़ियों ने पुलिस की गाड़ियों में सवार होकर बस सेल्फियां बनवाई और घरों को चलते बने। भाई कटोरा खान समर्थकों का क्या है? शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देने के लिए एक बंदा आगे नहीं आया, लेकिन अगर मुल्क में तबाही का मंजर लाना होता तो सारे के सारे रोडों पर आगे नजर आते। और यही कारण रहा कि अपने समर्थकों की ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारी देने के लिए कटोरा खान को अपनी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कराना पड़ा, ताकि नेताओं की गिरफ्तारी देखकर समर्थक भी गिरफ्तारी दें, जिसमें सबसे पहला नंबर आया शाह महमूद कुरैशी का। और जब पुलिस ने कुरैशी को पेलना शुरू किया, उसके बाद इमरान खान पार्टी के दूसरे नेता पीटीआई रहनुमा आसम सवाती ने कहा है
कि वो शाह महमूद से मिलने जेल गए लेकिन उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम तो जेल भरो तहरीक की वेटिंग लिस्ट में था और मैं तो शाह महमूद कुरैशी से मिलने आया था। ये तो मुद्दे लगा साला। भाई कुछ नेता बीमारी का बहाना बनाकर अंडरग्राउंड हो गए, कुछ नेता पुलिस बैंड के साथ फोटो खिंचाकर भागते नजर आए और जो एक दो नेता पुलिस के हत्थे चढ़ गए उनकी जेल में जमकर पेलाई हुई। और जब कटोरा खान ने देखा कि उसकी पार्टी के नेताओं को जेल में पेला जा रहा है, कोई नेता गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं, तो बंदे ने डिसाइड किया मुल्तान में रहनुमा नहीं सिर्फ कारकुनान ही जेल भरेंगे। भाई जैसे ही इमरान खान समर्थकों को ये खबर मिली कि पीटीआई के नेता नहीं सिर्फ समर्थक ही गिरफ्तारी देंगे, तो इमरान खान के बचे कुछ समर्थक भी इमरान खान की रिहायशगाह जमान पार्क के बाहर लगे कैंप समेट लिए गए हैं। कारकुन भी घरों को लौटने लगे हैं। और जब कटोरा खान को लगा कि जेल भरो तहरीक पूरी तरह फेल हो चुकी है, तो आखिरकार बंदे ने फैसला किया। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया। भाई जेल भरो तहरीक ढंग से शुरू भी नहीं हुई थी कि कुछ ही दिनों में खत्म। मतलब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए कटोरा खान को ढूंढ रही थी और कटोरा खान गिरफ्तारी के लिए आगे किसे कर रहा था, अपने समर्थकों को। जैसे FIR कटोरा खान पर नहीं समर्थकों पर काटी गई हो। और अब जब बंदे को कोर्ट पेश होने को कहती है तो बंदा बहाना क्या बनाता है। अदालतों के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं, पता है कि जान को खतरा है और फिर से यही। भाई अब इस बंदे की जान को खतरा हो गया और कल तक यही बंदा कहता फिरता था मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। मतलब फटे तो फटे लेकिन बकचोदी न घटे, यही हिसाब है कटोरा खान का। बंदा खुद अपने घर में दुबककर बैठा रहता है, विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दे देकर खुद पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाता है और फिर ये सब चुतियापा करने के बाद बंदे का कहना होता है हिंदुस्तान के टीवी पे देखें किस तरह मजाक उड़ा है पाकिस्तान का। चला तुम तो पूरे विश्व के लिए मजाक बने हुए हो, भले ही तुम खुद से पाकिस्तान की तारीफ में कितने भी फटे जाओ लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान पर लोग थूकते भी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे रगड़ रहे हैं ना कि भाई जैसे एक ना मिर्ची नहीं रगड़ी जाती भाई ऐसे डंडे के साथ, वैसे भाई रगड़ रहे हैं बेचारे को, कभी इधर चल कभी इधर। पहले उसकी भाई हमें तो नहीं पता कौन किसको रगड़ रहा है, वो रगड़ रहे हैं या ये रगड़ भाई रोज तो बेल पर जा रहा है और दूसरा जाता है कचहरी कोर्ट कचहरी के चक्कर। रगड़ रहे रगड़ ही रहे बीच में कोई नहीं, सियासी लीडर तो कोई वो तो यार अब स्टार्ट हुआ है ना जाना। अब आज भी गया हुआ था भाई बेचारा जाता, कल बारिश में भी गया हुआ था, उसको तो बैठने नहीं दे रहा यार, ऐसे जलील उसको यार किया हुआ यार बहुत भयानक। पहले हम जो थे 44 करोड़ थे जब बना था पाकिस्तान, तो आज जो है 22 करोड़ है। फिर किसी ने हो गए क्या मतलब तो ये पॉइंट बोल रहा है कि जब बना था 22 करोड़ थे और अब आधे हो गए, फिर उन्होंने 40 लाख थे। ओ आई की पीछे से कोई बता रहा है, ओ सॉरी सॉरी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ट्वी ब्रो भाई तो बहुत ही जबरदस्त रोज करते हैं, इनके कई सारे वीडियोस पे हमने मिक्स रिएक्शन भी दिया है और इनका लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में बीच बीच में मिलते ही रहते हैं। तो और इनके लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जो इमरान खान है वो हर महीने या 2-3 महीने कोई ना कोई नया ड्रामा लेके आ जाता है। वो जेल पर तारीख भी ड्रामा अब ख़त्म हो गया, अब उसकी गिरफ्तारी पे आई है तो वो कोर्ट में शामिल नहीं हो रहा है। उनके सपोर्टर्स भी जो है वो भी पागल है, सारे के सारे मरने मारने के लिए तैयार है ऐसे लीडर के लिए जो घर में चुप के बैठा है और जो कोर्ट में भी नहीं जा रहा है अपनी FIR और जो केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। तो ये कौन सा लीडर हो गया। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।